स्क्रीन विजिबल है ना सबको? यस सर। तो पहला वाला जो हम लोग केस डिस्कस कर रहे हैं, इसमें ऐसा है कि यहाँ पर हमारे पास एक छोटा सा बॉब है, ये बॉब है, इसको मैंने एक मासलेस स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिया है। ये मेरे पास एक मासलेस स्ट्रिंग है। तो तुम लोग बचपन में ऐसा काम किए होगे कि एक रस्सी से कोई ऑब्जेक्ट लटका दिए होगे और इसको ऐसे गोल गोल घुमाए होगे, घुमायो? यस सर। यस सर। सब लोगों ने घुमाया? सर ये तो अभी भी करते हैं कभी कभी। हाँ सर, अभी भी करते हो? हाँ सर, फोन के चार्जर से। हाँ, फोन के चार्जर से घुमाते रहते होगे, या फिर आईडी कार्ड ले लिया और आईडी कार्ड को घुमा रहे हो सर, वही ज्यादा फिंगर्स फंसा के। तो ये दो काम हम लोग अब बचपन में किए हैं। इस सिचुएशन को हम लोग सोच रहे हैं कि क्या क्या होता होगा। जैसे मान लो, जैसे मैंने आईडी कार्ड घुमाया, तो अगर बहुत स्पीड में तुम घुमाओगे तो ये आईडी कार्ड पूरा का पूरा ऐसा घूम जाएगा। काफी ज्यादा स्पीड दिया तो पूरा सर्किल में घूम जाएगा। लेकिन अगर कम स्पीड दी है तो क्या होगा? सर पहुंच नहीं पाएगा, ऑसिलेट करने लगेगा। हाँ, ये हो सकता है कि यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर वापस आएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, वापस आएगा, ऐसा कुछ होगा, ऐसे ऐसे करेगा। यस। अच्छा, अब मैंने इससे ज्यादा स्पीड दिया और इससे कम स्पीड दिया, तो ऐसा भी तुम्हारा सिचुएशन आया होगा कभी कि तुम्हारा आईडी कार्ड गया और कहीं यहाँ जाके गिर गया होगा ऐसा? हाँ सर, वो ऊपर जाके सीधा नीचे गिर गया। ऐसा हुआ है सबके साथ? सब लोग किए हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे कि किस सिचुएशन में, मतलब क्या हम लोग वेलोसिटी देंगे, तो कौन सा पाथ फॉलो करेगा, वन होगा या टू होगा या थ्री होगा, कैसा होगा, ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले ये सोचो कि जब हम लोग इस वर्टिकल सर्किल का बात कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा चांस, मतलब अगर मैं वेलोसिटी दिया हूं तो सबसे ज्यादा चांस क्या है यहाँ पर नीचे गिरने का है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे? Yes. इसका एक बार ऐसा देखते हैं, मैं टॉप मोस्ट पॉइंट को एक बार कंसिडर कर रहा हूँ कि अगर मेरा पार्टिकल टॉप मोस्ट पर पहुंच गया तो वो तो सर्किल कंप्लीट कर ही लेगा पूरा का पूरा, आया ना? अगर मेरा पार्टिकल टॉप मोस्ट पहुंच गया तो पूरा का पूरा सर्किल कंप्लीट कर लेगा। हाँ। ये फील आ रहा है सबको? हाँ। अच्छा, टॉप मोस्ट स्ट्रिंग में जरूरी थोड़ी होगा, हम लोग मासलेस स्ट्रिंग का बात कर रहे हैं। नहीं सर, मतलब अगर एक कुछ मासले रॉड जैसा कुछ है तो हो सकता है ना? नहीं, मतलब अगर तुम स्ट्रिंग लूज पड़ गई बीच में। हाँ, हाँ नहीं, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ पहुंच गया ब्लैक डॉट पे somehow, तो वो पूरा का पूरा सर्किल कवर करेगा, मैं ये बोल रहा हूँ। ये होगा कि नहीं होगा? होगा। ये होगा? हाँ। तो देखो, इस पोजीशन को अगर मैं ए मानू तो इस पोजीशन पे क्या क्या फोर्स लग रहा होगा ए पे? मान लो यहाँ पर इसका वेलोसिटी है वी है, तो क्या, और मास है एम, इस बॉब का मास है एम, तो इस पर क्या क्या फोर्स लग रहा होगा ए पे? स्क्वायर बाय आर, ग्रेविटी, एक एम वी स्क्वायर बाय आर, और ग्रेविटी, एम जी ग्रेविटी सर, और नहीं है ना देखो तो आगे की तरफ वेलोसिटी है, मतलब हम लोग फोर्स बैलेंस कर सकते हैं, ऊपर की ओर जितना फोर्स होगा उतना फोर्स नीचे होना चाहिए। तो स्यूडो लगाया क्या आपने? हाँ, वो स्यूडो फोर्स है। अच्छा। हाँ, सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं टी प्लस एम जी जो होगा वो एम वी ए स्क्वायर बाई आर के बराबर होना चाहिए। Yes, sir. हाँ, sir. जितना ऊपर फोर्स उतना ही नीचे होना चाहिए फोर्स, और सबसे ज्यादा चांस है कि धागा इस पॉइंट पर स्लैक करे, मतलब अगर यहाँ स्लैक किया है तो डेफिनेटली ऊपर तो स्लैक रहा ही होगा। तो इफ थ्रेड इज स्लैक एट दैट पॉइंट,
अगर धागा स्लैक है तो टेंशन कितना होगा वहां पर धागा में? जीरो जीरो जीरो. तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं व्हेन द स्ट्रिंग इज जस्ट अबाउट टू स्लैक, जस्ट अबाउट टू स्लैक, टेंशन इन द स्ट्रिंग स्ट्रिंग टेंशन इन द स्ट्रिंग जीरो जीरो. और उस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि mg जो होगा वो m va square by r के बराबर होगा. फ्रॉम इक्वेशन वन हम लोग बोल सकते हैं कि अगर धागा स्लैक करने वाला है मतलब टेंशन जीरो हो गया और mg और mv square by r इक्वल होगा. इन ऑल अदर केसेस mg और mv square by r में कौन बड़ा होगा? mg सॉरी mv square by r. mv square by r ठीक है. जब धागा जस्ट स्लैक करने वाला है तो टेंशन जीरो और mg और mv square by r को हमने इक्वल कर दिया. इन ऑल अदर केसेस इन अदर केसेस व्हेन t इज नॉट हां जस्ट अ मिनट when t is not equal to 0 hum log bol sakte hain mv square by r will be greater than mg kyunki mv square by r mein maine kuch add kiya hai sorry mg mein maine kuch add kiya hai tab mv square by r sir point a ki baat kar rahe hain na ha sirf point a ki baat kar rahe hain baad mein hum log baat baki point ke baat karenge isme sir ha sir jab tension 0 hoga to usse aapne conclude kya kiya is case mein? अगर टेंशन जीरो होगा मतलब धागा जस्ट स्लैक करने वाला है तब टेंशन जीरो हुआ. हाँ सर. और उस इंस्टेंट में मैंने बोला कि ये वाला जो इक्वेशन है इक्वेशन वन टेंशन को जीरो पुट कर दो. ओके सर. तो क्या आया mg इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r? यस सर. और अगर मेरा टेंशन जीरो नहीं होता तो कौन बड़ा होता mv स्क्वायर बाय r या फिर mg? कौन बड़ा होता? mv स्क्वायर बाय r. mg में कुछ हम लोग ऐड कर रहे हैं तब mv square by r के बराबर है. इसका मतलब क्या है mv square by r बड़ा है mg से, right? Yes sir. Done. First slide. सर आपने वहाँ mg equal to mv square by r वो point a के जस्ट पहले वाले पॉइंट पे होगा ना? नहीं नहीं जस्ट पॉइंट a पे बात कर रहा हूँ जब धागा जस्ट स्लैक करने वाला है. हाँ सर मतलब वही. अच्छा अब यहाँ पर देखो हमारे पास क्या आया कि व्हेन हमेशा ये कंसीडर करना ही है कि टॉप मोस्ट पॉइंट पे स्लैक होने के चांसेस होंगे. हाँ टॉप मोस्ट पॉइंट पे. हाँ अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पे स्लैक नहीं हुआ तो और किसी भी पॉइंट पे स्लैक नहीं होगा. ओके ये तो फील आ रहा है ना? हाँ यस वो तो समझ गया. ठीक है तो हम लोग देखें कि व्हेन स्ट्रिंग इज जस्ट अबाउट टू स्लैक just about to slack हमारे पास equation बना mv square by r is equals to mg और this implies va is equals to under root rg. सर हाँ सर वो जो mv square by r है वो pseudo force है. centrifugal force है. centrifugal force is a kind of pseudo force. सर पर वो अंदर की तरफ होता है ना? सेंट्रीपेटल अंदर की तरफ होता है बट अगर तुम उस बॉब के फ्रेम में आ रहे हो तो तुम वो स्यूडो फोर्स जैसा बिहेव करेगा ना. सेंट्रीफ्यूगल तो वो स्यूडो फोर्स की तरह ही है. हाँ स्यूडो फोर्स की तरह ही है. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ स्यूडो फोर्स वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है. और देखो इन अदर केसेस मुझे रूट आर जी स्पीड देना होगा तब टेंशन जीरो हुआ है और हमारा पार्टिकल जो है वो जस्ट कंप्लीट कर रहा है सर्किल. तो एक्चुअल में क्या होगा हमें रूट आरजी स्पीड से ज्यादा देना पड़ेगा तो मेरा आराम से वो पूरा का पूरा सर्किल कंप्लीट करेगा. आया ना? हम लोग ये एक्सप्रेशन लिख सकते हैं वेलोसिटी एट ए शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट आरजी. यस तो हम लोग ये याद रखेंगे ये अगर मान लो कोई भी पार्टिकल है उसको अगर सर्कुलर मोशन में पूरा का पूरा एक सर्किल कंप्लीट करना है वर्टिकल सर्किल तो उसका वेलोसिटी रूट आर जी से
ज्यादा होना सर, इक्वालिटी क्यों लिया हमने? इक्वालिटी वाला मतलब जस्ट कंप्लीट करेगा, और अगर तुम उससे ज्यादा स्पीड दोगे तो वो तो डेफिनेटली करेगा ही करेगा, लेकिन अगर रूट आरजी से कम स्पीड दिया तो क्या होगा, वो धागा पहले ही स्लैक कर जाएगा और वो गिर जाएगा, पूरा का पूरा सर्किल नहीं कंप्लीट कर पाएगा, ठीक है? हाँ, तो ए जो है वो टॉप मोस्ट पॉइंट है, टॉप मोस्ट पॉइंट। इस पॉइंट का सोचो क्या होगा, बॉटम मोस्ट पॉइंट। लेट्स से दिस इज पोजीशन बी, अगर ए पे वेलोसिटी रूट जी आर है तो बी पे वेलोसिटी कितना आएगा? एनर्जी कंजर्वेशन, जी आर आना चाहिए लेकिन एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन। हाँ एनर्जी कंजर्वेशन ने किया था ना, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। हाँ सर, हाँ कर के भाई। सर रूट फाइव आर जी आया, सही है। और किसी का आया? जिनका बी आ जाएगा वो इस पॉइंट पे निकालेंगे सी, ये एंगल 90 डिग्री है, सी पे कितना वेलोसिटी होना चाहिए ताकि ये पूरा का पूरा सर्किल घूम जाए? सर आया रूट फाइव आर जी। ओके, रूट फाइव आर जी आया, ठीक है। वीसी भी निकाल लो सर, रूट थ्री आर जी, रूट थ्री आर जी, ठीक है। ठीक है, ए और बी पे हम लोग जीरो पोटेंशियल लाइन कहाँ अज्यूम कर ले? सर बी के टेंजेंट पे, बी पे बना सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं सर, ए पे भी ले सकते हैं, सेंटर वाले पे भी ले सकते हैं, काम आसान बी पे रहना। हाँ, तो लेट्स से मैं इसको जीरो पोटेंशियल लाइन माना, तो अब दोनों पोजीशन लिखते हैं, पोजीशन ए और पोजीशन बी। यस ओके गीता मैम, फाइन। पोजीशन ए, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी का बात करूं
दैट इज हाफ एम वी ए स्क्वायर. अब मैं मिनिमम वाला लेके चल रहा हूँ, बाद में कंडीशन लगा दूंगा. तो मिनिमम में के लिए वी ए स्क्वायर जो होगा वो आर जी के बराबर है, और पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो होगा एम जी इंटू टी टू आर. और पोजीशन बी पे काइनेटिक एनर्जी, मान लो मेरा वेलोसिटी वी बी है, तो हाफ एम वी बी स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी जीरो. तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम इक्वल होना चाहिए. तो एम जी आर बाई टू प्लस टू एम जी आर इक्वल टू हाफ एम वी बी स्क्वायर. और यहां से आ जाएगा दिस इंप्लाइज वी बी इक्वल टू अंडर रूट 5 जी आर. ठीक है, सिंपल सा. अब देखो ये वी बी रूट 5 जी आर किस कंडीशन के लिए है, कि मेरा जो बॉब है वो जस्ट कंप्लीट करे, टू जस्ट कंप्लीट, वेलोसिटी एट बॉटम मोस्ट पॉइंट, वेलोसिटी एट बॉटम मोस्ट पॉइंट शुड बी रूट 5 जी आर, रूट 5 जी आर. अच्छा, ये तो हमारा जस्ट कंप्लीट करने के लिए है. और हम लोग जनरल स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं, टू कंप्लीट अ वर्टिकल सर्किल ग्रेटर देन रूट 5 जी आर, टू कंप्लीट अ वर्टिकल सर्किल वेलोसिटी एट बॉटम मोस्ट पॉइंट, बॉटम मोस्ट पॉइंट should be greater than root 5 gr, greater than or equal to. तो bottom most point पे मेरा root 5 gr के speed से या उससे ज्यादा speed से फेंकेंगे तभी मेरा का पूरा vertical circle follow होगा. तो second point next होता है. अच्छा, ये देखो पहला वाला पॉइंट है, मैंने लिमिटिंग केस लिया ना. देखो वी ए का वैल्यू जो पहला स्टेप में लिखा था पोजीशन ए में, वहाँ वी ए का वैल्यू मैंने रूट आर जी लिया, तभी वो हाफ एम जी टू आर बन गया. ठीक है, तो वो लिमिटिंग कंडीशन है कि जस्ट अगर मेरा पूरा का पूरा सर्किल कंप्लीट कर रहा है तब वेलोसिटी एट ए वो होगा. बट एक्चुअल में वेलोसिटी एट ए क्या होगा, उससे ज्यादा होगा तभी भी अपना सर्किल कंप्लीट करेगा. यस सर. तो भाई मतलब वेलोसिटी ऑफ ए जो है दैट इज हम लोग पिछले वाले साइड में लिखे थे शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट आर जी. अगर तुम्हारा वी ए रूट आर जी से बड़ा हो सकता है तो यहाँ पर देखो ये वाला टर्म भी तुम्हारा एम जी आर बाई टू से बड़ा होगा. राइट, बड़ा okay, सर, समझा. तो वी बी भी होगा वो रूट 5 जी आर से बड़ा हो सकता है. ओके सर, मतलब मिनिमम रूट 5 जी आर, मिनिमम रूट 5 जी आर चाहिए. हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर सर हमने मतलब लोएस्ट पॉइंट पे उससे क्यों नहीं किया फोर्स बैलेंस करके वगैरह mv स्क्वायर r से. मतलब मुझे वहां पर तो एनर्जी लॉस हो रहा होगा ना. देखो लोएस्ट पॉइंट पे गिरने का चांस नहीं है. लोएस्ट पॉइंट पे वो कहां गिरेगा, टेंशन एडजस्ट कर लेगा. राइट, लेकिन टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन हो सकता है जीरो हो जाए, टेंशन उसको एडजस्ट नहीं कर पाएगा. ठीक है, ओके ओके. नेक्स्ट पोजीशन सी पे बात करो, पोटेंशियल एनर्जी आर हाइट ऊपर है तो एम जी आर, ये डिस्टेंस आर हो जाएगा. ये इतना कम रिस्पांस क्यों है, सब लोग हो ना? यस सर, यस सर. ओके, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी सी स्क्वायर. और हमें मैंने ए से कंपेयर कर देता हूँ, तो 5 एम जी आर बाई टू था एनर्जी ए पे, तो हम लोग लिख सकते हैं एम जी आर प्लस एम वी सी स्क्वायर बाई टू इक्वल टू ए पे एनर्जी था 5 एम जी आर बाई टू. तो यहाँ से करो तो 3 एम जी आर बाई टू बन जाएगा वो, और वी सी इक्वल टू अंडर रूट 3 जी आर. और हम लोग जनरल स्टेटमेंट दे सकते हैं वी सी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू रूट 3 जी आर.
टू कंप्लीट वर्टिकल सर्किल. इसमें पोजीशन सी पे एमजी का क्या रोल है? पोजीशन सी पे एमजी का तुम्हारा जो ऊपर की ओर एक्सेलरेशन होना होगा ना, उसको एमजी कम करेगा और कुछ नहीं. जब अपना वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है उसका जो होगा वो उसको फर्क पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं आएगा. ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर. तो अब ये बताओ कि एक क्वेश्चन के थ्रू चलता है, फिर उसके बाद वापस इस पे आते हैं. क्वेश्चन, हमारे पास एक बॉब है, इसका मास है एम. इसको मैं यहां से थेटा एंगल से रिलीज किया तो ये बॉब कुछ ऐसा आएगा. एयर रेजिस्टेंस तो कोई इग्नोर करना है. जब ये यहां पहुंचेगा तो इसका वेलोसिटी क्या होगा? सर वही करेंगे, टोटल एनर्जी वो कर दो. √2gl cos theta? नहीं, थोड़ा सा लगाएगा. सर √2gl1 cos theta. हाँ ठीक है. हम लोग क्या करना पड़ेगा? एनर्जी कंजर्वेशन, जीरो पोटेंशियल लाइन लेट्स से यहां माना है. ओके जस्ट अ मिनट. हाँ आर्ना अनम्यूट कर सकते हो? आर्ना, आदिति, आदित्य, कोई भी. यस सर. हाँ आदिति, कितना होगा ये वाला हाइट? सर L-L cos theta. L-L cos theta सही है. ये लेंथ होगा हम लोग का L cos theta और टोटल में से ऊपर वाले को माइनस कर दो तो एल माइनस एल कॉस थीटा. सही है. लेट्स से दिस इज पोजीशन बी, पोजीशन ए. तो ए पे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जीरो. सबको ये दिख रहा है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? नो सर. पोटेंशियल एनर्जी एम जी एल, एल भी कॉमन ही ले लो, एम जी एल वन माइनस कॉस थीटा. अब इक्वेट कर दो दोनों पॉइंट पे तो यहाँ आ जाएगा एम जी एल वन माइनस कॉस थीटा और वेलोसिटी आ जाएगा अंडर रूट टू जी एल वन माइनस कॉस थीटा. सिंपल सा एनर्जी कंजर्वेशन है. ओके एक और उल्टा रिवर्स क्वेश्चन करते हैं. रिवर्स क्वेश्चन क्या है कि अगर मेरे पास एक बॉब है, अगेन मासलेस स्ट्रिंग है, तो इसको मैं किस वेलोसिटी से फेंकूं ताकि वो यहां तक पहुंच जाए? जस्ट यहां तक पहुंचना है.
length L, mass M if required. सर लास्ट वाला क्वेश्चन एक बार दिखाओ ना. हाँ सर, थीटा 90 पुट कर देंगे. थीटा 90 पुट कर दो. ठीक है, रूट टू जी एल सही है चैतन्य. हो गया सर, थैंक यू सर. सीधा 90 पुट कर दो या फिर एनर्जी कंजर्व कर दो. यहाँ जीरो पोटेंशियल लाइन माना, तो यहाँ पर जस्ट पहुंचना है मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी MgL, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो, काइनेटिक हाफ एम वी स्क्वायर. सही है मनोज, इक्वेट कर दो तो हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू MgL और यहां से आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इक्वल टू अंडर रूट 2gl. सर तो अगर डेप्थ पहुंचना है तो काइनेटिक एनर्जी मिलेंगे क्या? क्या क्या सर? कोई पार्टिकल जस्ट पहुंचता है तो वेलोसिटी जीरो ही लेंगे वहां. हां हां, वेलोसिटी जीरो ही लेंगे, वो उसके ऊपर जा नहीं रहे ना, मतलब जीरो हो गया. अब वहां जस्ट पहुंचा मतलब वेलोसिटी जीरो. ओके, एक डाउट है, एक्सपेंडेबल है क्या फर्स्ट क्वेश्चन में? क्यों यार एक्सपेंडेबल क्यों है? मैंने देखो लेंथ कंजर्व किया ना, यहाँ पर ये देखो यहाँ पे भी लेंथ L है, ये लेंथ L हुआ तो ये भी लेंथ L होगा पूरा का पूरा 0 1 2. अब मुझे ऊपर वाला लेंथ पता है यहाँ से यहाँ रेड वाला, दैट इज L cos theta. तो नीचे ये ग्रीन वाला क्या हो जाएगा? टोटल माइनस L cos theta, दैट इज L माइनस L cos theta. अभी ठीक है, हम लोग कहीं भी अपने सिलेबस में स्ट्रिंग को एक्सटेंसिबल नहीं बोलेंगे. स्ट्रिंग हमेशा इनएक्सटेंसिबल रहेगा. सर हाँ सर, आप बता सकते हैं एक बार वो जब वो बॉब पहुंचता है उसका काइनेटिक एनर्जी जीरो क्यों है? तो मैंने यहाँ पर दिया था, यहाँ पर जस्ट रीच करना है. क्वेश्चन में मैंने बोला था कि यहाँ जस्ट रीच कर रहा है, तो जस्ट रीच करेगा मतलब जस्ट पहुंच गया, पहुंचने के बाद वो मतलब वापस आ जाएगा, जस्ट किसी तरह बस पहुंच गया वहां पे, तो उसका वेलोसिटी वहां पे क्या हो जाएगा? जीरो. ओके सर, ठीक है, लिमिटिंग कंडीशन हम लोग लेंगे हमेशा. ओके, अब देखो हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन अभी फैसला कि बॉटम मोस्ट पॉइंट पे अगर मेरा स्पीड रूट 5gr है या उससे ज्यादा है तो क्या होगा? पूरा सर्किल कंप्लीट कर लेगा. तो केस लिख लो, केस वन, अगर मैं यहां पे जो वेलोसिटी दिया हूं इसका मैं आर मान रहा हूं, अगर ये लेस देन रूट टू जी आर होगा तो रूट टू जी आर पे क्या हुआ? ये हॉरिजॉन्टल लेवल तक पहुंच गया था. तो अगर मेरा वेलोसिटी लेस देन रूट टू जी आर हुआ तो मेरा मोशन कैसा होगा? ऐसा वाला कुछ जो हम लोग डिस्कस किया था, हाँ ऐसा ऐसा वो करता रहेगा, ये इधर जाएगा फिर वापस आएगा फिर इधर जाएगा फिर वापस आएगा एंड सो ऑन. एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर किया जाए तो केस टू, अगर मेरा वेलोसिटी इक्वल टू रूट टू जी आर दे रहा हूं तो क्या होगा? ये उधर पहुंचेगा ही नहीं, यहां तक पहुंचेगा और वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा. हां तो ये हॉरिजॉन्टल तक पहुंच जाएगा एंड सो ऑन. ये करेगा, ये भी ऐसा ऐसा करेगा, ये भी पेंडुलम जैसा करेगा. ये बाकी सभी केस और एक दो केस और है. आपको नीचे क्या लिखा है? नहीं दिख रहा है वो, उसमें नीचे मैंने कुछ नहीं लिखा है, बस एरो लिखा है, बस एरो दिया है. ये बस ऐसा मोशन करेगा, यहां से यहां आएगा यहां जाएगा हॉरिजॉन्टल लेवल तक 90 डिग्री तक. इधर जाएगा पहले
फिर वापस आएगा, फिर इधर जाएगा, फिर वापस आएगा, एंड सो ऑन, ऐसा तक करेगा। केस थ्री, अगर मैं वेलोसिटी रूट टू एल टू जी एल से ज्यादा दू, रूट टू जी आर इज लेस देन वी इज लेस देन रूट फाइव जी आर, तो क्या होगा? वो प्रीवियस पेज केस पॉइंट तो थोड़ा ऊपर है, एक मिनट चलो ये नोट कर, सर्कल से ज्यादा कवर करेगा एक बार में। अच्छा, उसके बाद, उसके बाद शायद ऑस्किलेशन करता रहेगा या फिर स्लैप हो जाएगा। चलो ठीक है, देखते हैं एक मिनट। ये हो जाएगा तो बताना। ओके हो गया। ओके, इस केस में क्या होगा यहाँ के बाद? मान लो यहाँ पर जाके, ये तो सबको फील आ रहा होगा कि इसके ऊपर जाएगा, हॉरिजॉन्टल के ऊपर जाने वाला है। यस सर। ओके, इसके बाद क्या होगा? मान लो यहाँ पर धागा स्लैक हो गया, अब क्या होगा? टेंशन जीरो का नीचे गिरेगा। टेंशन जीरो हो गया, सही बात है। अब नीचे गिरेगा मतलब ऐसे नीचे गिरेगा? नहीं, थोड़े से थोड़े समय के लिए स्टेट गिरेगा, फिर जब थोड़ा आगे, अच्छा थोड़ा ऐसा गिरा, फिर उसके धागा टाइट हो गया, फिर वापस आ जाएगा, ऐसा आएगा। हां, रिस्टोर करेगा खुद को। ओके, और किसी का कोई ऑप्शन? पेंडुलम जैसा आप क्यों नहीं कर सकते? ये गलत है, और कुछ सोचो। प्रोजेक्ट है भाई, पेंडुलम जैसा क्यों नहीं होगा? एक आंसर आ गया मुझे, पेंडुलम जैसा क्यों नहीं करेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर पहुंचा, अब इसके पास इधर mg लग रहा है और इधर mv² / r लग रहा होगा। हाँ सर, ठीक है, और टेंशन जीरो हो चुका है, तो यहाँ पर जीरो क्यों होगा सर? क्योंकि धागा स्लैक हुआ है ना वहां पर, मैंने अज्यूम किया कि उस पॉइंट पर धागा स्लैक हो गया। अच्छा, ओके, ठीक है, तो यहाँ पर इसके बाद क्या होगा? यहाँ पर कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी रहा होगा। हाँ सर, ये सबको फील आ रहा है कि वेलोसिटी रहा होगा वहाँ पे कुछ। हाँ, तो फिर प्रोजेक्टाइल होगा। एग्जैक्टली, यहाँ के बाद वो एक प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करेगा, ये नहीं होगा सर। पर वो अगर उस पॉइंट पे जस्ट रीच किया होगा तो नहीं, जस्ट रीच मतलब वहां पर जस्ट रीच वाला केस नहीं बनेगा ना, क्योंकि यहां पर मेरा टेंशन जीरो हो गया है। हां, स्ट्रिंग स्लैक हुआ है, समझे? तो यहां पर ये एक प्रोजेक्टाइल पाथ फॉलो करेगा। केस फोर तो सिंपल है, velocity is greater than equal to root 5 gr, तो फिर तो पूरा का पूरा सर्किल कंप्लीट कर लेगा। स्ट्रिंग स्लैक नहीं हुआ तो पिछले केस में स्ट्रिंग स्लैक तभी नहीं होगा जब बॉटम मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी रूट 5 gr से ज्यादा होगा। ओके, हमने वो ये तो पहले ही डिस्कस किया। सर, हम वो जो लिमिट है वो रूट 3 gr वाली क्यों नहीं ले रहे हैं, रूट 2 gr वाली क्यों ले रहे हैं? रूट 3 gr नहीं, हम लोग, मैंने क्वेश्चन मतलब यहाँ से लिखा है कि मैंने जो वेलोसिटी दिया था ना वो यहाँ पे लिया था, अगर तुम यहाँ से देखो तो तुम इसके लिए भी कंडीशन निकाल सकते हो अलग। मैं बॉटम मोस्ट पॉइंट पे कितना वेलोसिटी दूंगा उसका बात कर रहा हूँ मैं, बॉटम मोस्ट पॉइंट। ओके, तुम उसके लिए भी डिराइव कर सकते हो। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो सर।
सर अभी आपने बोला वो समझा नहीं, मतलब हमने तो रूट थ्री जी आर वाला निकाला था ना। नहीं नहीं मैं क्वेश्चन देखो केसेस जब मैं डिस्कस कर रहा हूँ ना, तो मैंने मैं ये वाला वेलोसिटी का बात कर रहा हूँ, बॉटम मोस्ट पॉइंट का, कि मैं बॉटम मोस्ट पॉइंट पे जो ये वेलोसिटी है ये अगर बॉटम मोस्ट पॉइंट पे रूट टू जी आर से कम है, रूट टू जी आर के बराबर है, तब के केसेस मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अच्छा बॉटम मोस्ट पॉइंट पे मैं कितना वेलोसिटी दे रहा हूँ तो कैसा मोशन होगा, हम लोग वो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है हाँ ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। तो केस फोर दिखा दीजिए एक बार। अच्छा थैंक यू। केस फोर तो सिंपल सा है। हाँ हो गया हो गया। ओके नेक्स्ट। यहाँ पर एक टॉय कार है, ये क्वेश्चन शायद हम लोग एनसीईआरटी लेक्चर में किए थे। इसका इसका रेडियस आर है, तो मुझे इसको मिनिमम कितना स्पीड से, नहीं मैंने इसको एक मिनट रुको, मैंने इसको जस्ट पुश किया, इनिशियल स्पीड जीरो, जस्ट पुश किया हूँ, तो ये नीचे आएगा, ये फ्रिक्शनलेस ट्रैक है, इस पर ये नीचे आया और ये जस्ट कंप्लीट करता है वर्टिकल सर्किल को, तो बताना है मिनिमम वैल्यू ऑफ एच क्या होगा सो दैट इट कैन जस्ट कंप्लीट द वर्टिकल सर्किल। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एच इन टर्म्स ऑफ आर। सर आपने जो पुश किया वो एनर्जी कंसीडर हो रही है? नहीं नहीं वो बस उसका मान लो पुश करने के बाद मैं उसका स्पीड जीरो ही है अप्रोक्सीमेटली। अच्छा ओके सर फाइव आर बाय टू। नहीं फाइव आर बाय टू नहीं होगा। चैतन्य नहीं और किसी का कोई आंसर आया? सर दो मिनट। सर एक मिनट। हाँ सर आर बाय टू। ओके आर बाय टू ठीक है। और लो सर मैं नहीं, चैतन्य सही है। टू आर है क्या? शंकर सही है। नहीं टू आर नहीं है। सर आर बाय टू। आर बाई टू सही है। ओके ठीक है। कैसे करना है हमें, हम लोग कौन सा जीरो पोटेंशियल लाइन अज्यूम करें? सर वही जो आप एच हाइट वाली जो आपने बनाई है, यहाँ भी अज्यूम कर सकते हो, नीचे भी अज्यूम कर सकते हैं, बस ध्यान क्या देंगे अगर हम लोग काइनेटिक। हाँ तो वेलोसिटी अगर नीचे वाला लेंगे तो रूट फाइव जी आर लेंगे और ऊपर वाला लेंगे तो रूट जी आर लेंगे। मुझे जस्ट कंप्लीट करना है, मतलब
यहाँ पे वेलोसिटी क्या होना चाहिए, रूट जी आर और यहाँ पर रूट फाइव जी आर। तो मैं काम करता हूँ इसी को जीरो पोटेंशियल लाइन ले लेता हूँ। तो मैंने रूट जी आर का सोचा नहीं, मैंने नीचे पोटेंशियल एनर्जी माइनस में ले लिया। हाँ आंसर सेम आएगा उससे, बट अपना यहाँ वाला से आसान आएगा, मतलब एक स्टेप कम पड़ेगा बस। तो पोजीशन ए पे सोचो, पोजीशन ए पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा एम जी एच प्लस जीरो इज इक्वल्स टू, पोजीशन बी पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी रूट जी आर के प्रोपोर्शनल, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी हो गया मेरा जीरो, काइनेटिक एनर्जी रूट जी आर हाफ एम इंटू जी आर हो जाएगा। तो यहाँ से क्लियरली मुझे क्या दिख रहा है, एच इज इक्वल्स टू आर बाई टू। किसी को कोई दिक्कत इसमें? सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ देखो मैंने क्या किया, किसी भी एक पॉइंट पे तुम यहाँ पर जीरो पोटेंशियल लाइन मान लो या फिर यहाँ जीरो पोटेंशियल लाइन मान लो, मैंने ऊपर वाले को जीरो पोटेंशियल लाइन माना, तो मुझे ये पता है ना कि अगर मुझे वर्टिकल सर्किल कंप्लीट करना है तो जो पॉइंट बी है वहां पर स्पीड कितना होना चाहिए मिनिमम, रूट जी आर हमने अभी प्रूफ किया था, मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो स्पीड होगा वो रूट जी आर से बड़ा या इक्वल होना चाहिए। हाँ सर। तो मैं मिनिमम वाला केस लेके चल रहा हूँ, तो जस्ट मैंने रूट जी आर के इक्वल ले लिया वेलोसिटी, ठीक है। अब मैंने पोजीशन बी पे काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी लिखा, अब देखो पोजीशन बी पे जीरो पोटेंशियल लाइन माना है मैंने, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा बी पे? जीरो। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, मैक्सिमम नहीं हाफ एम इंटू वी स्क्वायर, हाफ एम इंटू जी आर। तो मैंने यहाँ लिखा देखो जीरो प्लस हाफ एम इंटू जी आर, राइट? इसमें कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा पोजीशन ए पे देखो, पोजीशन ए जो है वो एच हाइट ऊपर है जीरो पोटेंशियल लाइन से, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया? MgH और काइनेटिक एनर्जी जीरो क्योंकि जस्ट स्पीड जीरो है। यस सर। तो मैंने पोटेंशियल एनर्जी को MgH लिखा, काइनेटिक एनर्जी को जीरो लिखा, इक्वेट कर दिया। ओके सर। डन, किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन। सर लेकिन Rg क्यों लिया? हाँ देखो जब भी मेरा एक वर्टिकल सर्किल कंप्लीट करना होगा ना मुझे, जब भी तो मुझे इस पॉइंट पे जो स्पीड है वो ग्रेटर देन और या फिर इक्वल टू रूट आर जी होना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा ये बॉब नीचे गिर जाएगा। ठीक है सर। तो उसमें रूट आर जी क्यों लिया? मतलब अच्छा रूट, मतलब अच्छा रूट आर जी से बड़ा भी कुछ ले सकते थे ना, ये बोल रहे हो? ठीक है। तो मैंने यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या दिया था, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एच, तो आर बाई टू से बड़ा कुछ भी एच हो जाए लेकिन आर बाई टू तो मिनिमम होना ही पड़ेगा। फाइन करते हाँ, तो मिनिमम केस के लिए मैंने रूट आर जी लिया है। और सर वो जेड पी एल पे आ रहा है इसलिए पी ई जीरो लिया ना? हाँ जेड पी एल आ रहा है इसलिए पी ई जीरो लिया। ओके जेड पी एल कहीं पे भी कंसिडर कर सकते हैं सर। ZPL हर केस के लिए अलग मतलब ले सकते ना, क्योंकि रूट जीआर तो ZPL ग्राउंड लिया तब आया ना। नहीं रूट जीआर तो हमने ग्राउंड वाला लिया ही नहीं था ना, देखो जब हमने रूट जीआर प्रूफ किया था वहां तो हम लोग ZPL का बात ही नहीं किए थे, नहीं किया था कुछ हम लोग वहां पर पहले वाले। हाँ। में रूट जीआर जब बात किए थे तो वहां पर ZPL का बात हुआ था क्या? नहीं। अब VA हम लोग को मिल गया टॉप मोस्ट पॉइंट वाला, उसके रिस्पेक्ट में हम लोग ZPL का बात किए थे और फिर VB और VC निकाले थे। अब अगर तुम ZPL कहीं पे भी लो VB और VC हमेशा रूट 5GR और रूट 3GR ही आएगा।
आया ना? हाँ सर। ठीक है ओके सर। सर पर वीबी और वीसी के लिए हमने तो जेडपीएल डिफाइन किया था ना। हाँ बट हमें ये भी तो बताया कि जेडपीएल कहीं पे भी ले हमारा वेलोसिटी अलग आएगा क्या? ना सर। तुम कहीं पे भी जेडपीएल लो हमारा वेलोसिटी सेम रहेगा। सेम आएगा हाँ। ठीक है ओके नेक्स्ट। एक थोड़ा ऑफ टॉपिक जा रहे हैं। ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था क्या? ये 0.5 मीटर या 1 मीटर ऐसा कुछ और यहाँ पे नहीं किया था। ठीक है अब यहाँ पर अगेन ये स्मूथ सरफेस है। अच्छा किया था ये? नो सर। ये बुकलेट में था। अच्छा ठीक है ये एक स्मूथ सरफेस है। मैंने यहाँ से इस ब्लॉक को हल्का सा पुश किया। इनिशियल स्पीड इज जीरो अगेन। ये यहाँ गया उसके बाद यहाँ के बाद इसका क्या ये पोर्शन जो है वो फ्लैट है मतलब हॉरिजॉन्टल है तो यहाँ के बाद इसका मोशन कैसा होगा? सर लीनियर वेलोसिटी से आगे जाएगा। हाँ प्रोजेक्टाइल। अच्छा वो तो तुमको बताना है। सर ये ऑफ टॉपिक क्यों है? मतलब अभी अचानक से वर्टिकल सर्कल से थोड़ा अलग आए हैं फिर वापस से वर्टिकल सर्कल पे आएंगे। ओके तो बताना है ये डिस्टेंस एक्स क्या होगा? ओके मोहित ठीक है अभी कर लो तुरंत में हो जाएगा। एक आंसर आया 1 मीटर ओके दो एक और आंसर आया 1 मीटर नूतन 1 मीटर ठीक है। ठीक है सिंपल सा यहाँ पर सबसे पहले वेलोसिटी निकालो क्या आ रहा है तो लेट्स से यही है हम लोग का ZPL लेट्स अज्यूम तो ये हाइट हो जाएगा 0.5 मीटर ए बी तो ए पे काइनेटिक एनर्जी ए का बात करो तो काइनेटिक एनर्जी जीरो पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच दैट इज 5 जूल। बी का बात करें काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी जीरो जेड पी एल पे है इक्वेट कर दो दोनों को 5 is equals to half v square or this implies v is equals to root 10. याद है सबका आ गया?
अब मुझे क्वेश्चन में एक और चीज दिया था कि ये वाला पार्ट क्या है, हॉरिजॉन्टल है, इसका मतलब अगर मैं इस डायरेक्शन का बात करूं तो स्पीड क्या है, जीरो है। तो अलोंग वाई टाइम फाइंड करेंगे। हाँ, अलोंग वाई हम लोग टाइम फाइंड कर लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट इज -0.5, एक्सेलरेशन इज -10, इनिशियल स्पीड इज जीरो। तो यहां से सॉल्व करो तो टाइम आ जाएगा 1/√10 सेकेंड। 0.5 इज इक्वल्स टू 1/2 × 10 × t² और जो मेरा x आ जाएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, दैट इज स्पीड इनटू टाइम, दैट इज √10 × 1/√10, दैट इज 1 मीटर। डन। एक और क्वेश्चन कर लो, सिंपल सही। जहां से ऑब्जेक्ट स्टार्ट होता है वहां काइनेटिक एनर्जी जीरो लेफ्ट है ना? नहीं, वहां पर मैंने लिखा क्वेश्चन में ऐसा दिया होगा कि ऑब्जेक्ट इज जस्ट पोस्ट, तो जस्ट पोस्ट मतलब इनिशियल स्पीड जीरो। अगर अगर पहले काइनेटिक एनर्जी नहीं है तो जब वो हम एंड पॉइंट पहुंचे तब हमें काइनेटिक एनर्जी कंसीडरेशन में, हां तब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है। सेम क्वेश्चन, एक और डेटा, सब कुछ सेम है। ये 1 मीटर हाइट पे है, ये 0.5 मीटर पे है, बट इस बार ये सरफेस जो है वो रफ है। मैंने यहां से एक ब्लॉक को पुश किया, एज्यूम इनिशियल स्पीड इज जीरो, वो ब्लॉक यहां के रुक गया। तो फाइंड द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, फाइंड द वर्क डन बाय फ्रिक्शन, मास 1 kg। ठीक है चैतन्य, आदित्य सही है, चैतन्य तुम्हारा मैग्नीट्यूड वाइज सही है, पर थोड़ा ध्यान से। मनोज तुम्हारा भी मैग्नीट्यूड वाइज सही है। हाँ मनोज ठीक है। सही है शंकर, सिंपल सा हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, हम लोग उस दिन देखे थे, इनिशियल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल प्लस समाव, मान लो मैंने एनर्जी सप्लाई किया, इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल प्लस एनर्जी लॉस्ट। ये हमने उस दिन लिखा था। अगेन वापस से मैं ZPLSE को मान ले रहा हूँ। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी MgH, हमने कुछ एनर्जी सप्लाई किया क्या यहाँ पे? नहीं, तो ये चीज क्या हो गया, जीरो, यहां पर ही डूब गया।
दोनों जीरो। एक मिनट, ये भी जीरो हो गया और एनर्जी लॉस आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ से आगे हमारे पास एनर्जी लॉस इक्वल टू 5 जूल। जस्ट अ मिनट, तो हमारे पास आ गया एनर्जी लॉस्ट, ये आ गया 5 जूल। और ये एनर्जी कहाँ लॉस्ट हुआ होगा, कौन लॉस्ट करवाया होगा? फ्रिक्शन। तो देयरफॉर वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज, फ्रिक्शन ऑब्जेक्ट अगर आगे मूव कर रहा होगा तो फ्रिक्शन पीछे लग रहा होगा, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज -5 जूल। जस्ट वन मिनट, ये नोट करो। हाँ, इसमें कोई डाउट किसी को? नो सर। नो सर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट वापस हम लोग वर्टिकल सर्किल पे आते हैं। तो वर्टिकल सर्किल में हम लोग हम लोग क्या देखे कि अलग अलग पोजीशन पे उसका वेलोसिटी देख लिया 2-3 पॉइंट पे, और कितना वेलोसिटी होगा तो वो कैसा मोशन करेगा, हमने ये देखा। अब 2-3 पॉइंट पे टेंशन बता दो कि टेंशन क्या होगा उस स्ट्रिंग में। जैसे मान लो ये है, इसको मैं वर्टिकल सर्किल में घुमा रहा हूं, तो इस पॉइंट पे लेट्स से दिस पॉइंट इज ए और यहां पर वेलोसिटी है वी ए, ये एंगल है अल्फा, ये एंगल है बीटा, दिस पॉइंट इज बी, यहां पर वेलोसिटी है वी बी, this point is c, velocity is vc, ये angle है gamma। इन दोनों point पे tension कितना होगा a b और c पे, tension in the string। पॉइंट ए बी सी पे टेंशन क्या होगा? के पे कितना आया? सर बी पे आया एम वी स्क्वायर बाय आर माइनस जी साइन बीटा। एम जी साइन बीटा,
सर एम कॉमन ले लिया मैंने. अच्छा ठीक है. ओके तो यहाँ पर ए से स्टार्ट करते हैं. तो ए पे क्या क्या फोर्स होगा? एक एम जी होगा, एक एम बी ए स्क्वायर बाई आर एंगल अल्फा, और एक टेंशन. तो टेंशन जो होगा उसका इधर वाला कंपोनेंट ले लो. तो टेंशन विल बी एम जी कॉस अल्फा प्लस एम वी ए स्क्वायर बाई आर. सिमिलरली अगर मैं बी पे बात करूं तो एक एम वी स्क्वायर बाई आर इधर, एक mg नीचे और एक टेंशन इधर. तो हम लोग टेंशन बोल, ये एंगल जो होगा ये 90 माइनस बीटा होगा. तो टेंशन विल बी इक्वल टू m vb स्क्वायर बाई r माइनस mg साइन बीटा. साइन बीटा एक बार देखना है यार. 0 1 2 फिर से. सिमिलरली यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक एम जी नीचे, ये एंगल हो जाएगा गामा, एक टेंशन और एक एम वी सी स्क्वायर बाई आर. तो टेंशन एट सी जो हो जाएगा वो हो जाएगा एम वी सी स्क्वायर बाई आर माइनस एम जी साइन गामा. सर हम डी का भी मतलब लाइक लेके कर सकते हैं ना? एक मिनट एक मिनट एम जी कॉस गामा आ जाएगा यहाँ पे. हाँ ठीक है, कंपोनेंट लेके वो कर सकते हो, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट नहीं पड़ेगा वो. मतलब मेरा आंसर अलग आ रहा है, डायरेक्टली ही पूछा. अच्छा हाँ. अच्छा तुम क्या कियोगे? इस वाले लॉन्ग कर दिए होगे. हाँ यस सर. मैं लाइक वो जो ए के केस में लाइक टी कॉस अल्फा हो जाएगा, और तुमने यही लिखा ना, टी कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू एम जी प्लस एम वी ए स्क्वायर बाई आर, एम वी ए स्क्वायर बाई आर कॉस अल्फा. यस यही. ओके लेकिन ये हम लोग नहीं लिख सकते हैं. क्यों नहीं लिख सकते हैं? वर्टिकल में एक्सेलरेशन है, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन. यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये वेलोसिटी है ना, ये वेलोसिटी चेंज कर रहा होगा उसका. यस सर. तो हम लोग इस डायरेक्शन कंपोनेंट आ रहा होगा. हाँ, तो हम लोग इक्वेशन इस डायरेक्शन में लिखेंगे हमेशा. अच्छा, तो जो हमेशा तक प्रेफर करना है कि टी के ऑपोजिट में जो होगा वैसा कंपोनेंट बनाएंगे. हां, तुम्हारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अच्छा सा है, ध्यान से करना. लिखते हैं कौन पहले करता है. अगर मैं यहां पर इस बॉब को रूट 3gl स्पीड दिया, तो पहला ये क्या होगा? रूट 3gl दिया तो ये ऊपर जाएगा, डेफिनेटली हॉरिजॉन्टल से ऊपर जाएगा, इस पॉइंट से ऊपर जाएगा. यस. कहीं यहां पर जाके ये धागा स्लैक होगा. तुमको बताना है कौन सा एंगल थीटा पे स्लैक होगा. सर जरा स्पीशल स्लाइड दिखाएंगे.
और आप क्वेश्चन दिखा सकते हो। हाँ क्वेश्चन मैं वर्ड्स में भी लिख देता हूँ। सही है चैतन्य। थ्री एल बाई टू नहीं आदित्य, आदित्य एंगल थ्री एल बाई टू कैसे हो सकता है? सॉरी सर एक मिनट। एक मिनट, थ्री बाई टू कॉस। चैतन्य तुम्हारा भी आंसर क्या है? चैतन्य तुम्हारा भी आंसर गलत है, थ्री बाई टू नहीं आएगा। कॉस इनवर्स थ्री बाई टू कैसे हो सकता है? वन से बड़ा नहीं होगा ना? नहीं शंकर, चैतन्य नहीं, अच्छा आदित्य ये एल को ना आर पुट कर लो, मतलब वही है बेसिकली। अगर मुझे आर रेडियस में फेंकना है तो वो आर ही है। आर अगर तुम पुट करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा टेन इनवर्स आर अपॉन आर माइनस थ्री। नहीं आदित्य नेगेटिव आ जाएगा तुम्हारा, डिनोमिनेटर देखो। सर अभी नीचे रूट थ्री जी आ रहा है तो उस पॉइंट पे भी रूट थ्री जी आ रही होगी ना वेलोसिटी? क्यों वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ होगा ना? पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ होगा ना? नहीं 0.2। अच्छा यहाँ पर वेलोसिटी जीरो होगा या नहीं होगा? इस पॉइंट पे जीरो होगा या कुछ और होगा? कुछ और होगा तो मान लो, कुछ जीरो मत मानना, ये मान लिया। नेक्स्ट क्या किया जाए सर? ड्यूरिंग सबसिक्वेंट मोशन मतलब, मतलब इसके आगे क्या होगा अगर जब ये टॉप मोस्ट पर, पहले तो यहाँ तक सॉल्व करो, यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगा, इसके बाद जो मोशन हुआ है उसके उस मोशन में मेरा मिनिमम वेलोसिटी बताना होगा। मॉड ऑफ डिनोमिनेटर, ओके एक मिनट, आर माइनस थ्री टू टेन वर्स टू। नहीं आदित्य, ओके प्रोसीड कैसे करेंगे? पहला स्ट्रिंग स्लैक का क्या मतलब है? टेंशन जीरो। टेंशन जीरो इसका मतलब क्या है? यहाँ एम जी लग रहा होगा, यहाँ पर एम वी ए स्क्वायर बाई आर लग रहा होगा और ये एंगल भी थीटा होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं टेंशन प्लस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम वी ए स्क्वायर बाई आर। और इस इंस्टेंट में मैंने मान लिया कि जस्ट स्लैक हुआ है, मतलब टेंशन जीरो,
और यहाँ से आ जाएगा वी ए इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी कॉस थीटा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? यहाँ तक कोई दिक्कत? अब क्या करें? सर ये कैसे निकाला है रूट आर जी बाय कॉस थीटा? देखो यहाँ पर जिस पॉइंट पर धागा में टेंशन जीरो हुआ है, मतलब स्ट्रिंग लाइक किया, मतलब टेंशन जीरो। हाँ और सही है चैतन्य, इस डायरेक्शन में देखो मेरा नेट फोर्स जीरो होना चाहिए अभी, ये वाला येलो या ये वाला ब्लू वाला। हाँ तो एम जी का कॉस थीटा और एम बी स्क्वायर बाय आर बैलेंस कर रहा होगा। ओके तो बैलेंस किया। यस इसके बाद क्या करें हम लोग? सर हमको एंगल चाहिए था ना। हाँ एंगल चाहिए, अभी हम लोग क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। अदिति कॉस इनवर्स 2/3, अदिति शायद 1/3 आएगा। अब क्या करें इसके बाद? एनर्जी कंजर्वेशन कर दो। सही है शंकर, इसको पोजीशन बी मान लो, जेड पी एल। सही है गर्ल्स, कॉस इनवर्स होगा वहां पे। ये हाइट क्या होगा? 2R नहीं, एक मिनट, R प्लस R cos theta। ये लेंथ R, ये लेंथ R cos theta, क्योंकि ये मेरा R है, ये लेंथ R के बराबर है। ठीक है जगर, तो मेरा हाइट हो गया R प्लस R cos theta। तो अगर हम लोग पोजीशन A और B का बात करें, पोजीशन A पोटेंशियल एनर्जी विल बी एम जी आर प्लस आर कॉस थीटा, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी ए स्क्वायर, बी पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। दोनों को इक्वेट कर दो, एम जी आर प्लस एम जी आर कॉस थीटा प्लस हाफ एम वी ए स्क्वायर is equals to 3mgr/2। एक मिनट, हाफ एम वी ए स्क्वायर और वी ए हमें पता है आर जी कॉस थीटा, तो यहाँ पर वी ए स्क्वायर को ही पुट कर दो, आर जी कॉस थीटा, हाफ एम आर जी कॉस थीटा। दो तो वहां पर क्या बच गया, एम जी आर कॉस थीटा प्लस एम जी आर कॉस थीटा बाई टू, 3mgr cos theta by 2 is equals to mgr by 2 or this implies cos theta is equals to 1/3 or theta equal to cos inverse 1/3। और जैसे ही मुझे theta मिल गया, cos theta मिल गया, मुझे velocity at a पता था under root gr cos theta था ना, velocity at a का expression हमारे पास आया था under root rg cos theta, तो अंडर रूट आर जी कॉस थीटा की जगह 1/3 पुट कर दो। शंकर नहीं, नेक्स्ट थर्ड पार्ट क्या होगा और उसका आंसर क्या आएगा? अच्छा तो थर्ड पार्ट क्वेश्चन क्या था? एक मिनट शंकर, क्वेश्चन था वेलोसिटी ना। हाँ ठीक है शंकर सही है। सर एक बार थर्ड पार्ट क्वेश्चन बताओ ना। हाँ थैंक यू सर। सर VA जो है हमारा कभी जीरो नहीं हो सकता था। VA जीरो, तो फिर अगर जीरो होगा तो वो नीचे गिर जाएगा ना डायरेक्टली। उससे पहले ही जैसे मान लो यहाँ पर अभी क्या है, वेलोसिटी रूट आर जी कॉस थीटा है,
तो अगर समाओ अगर ऐसा सिचुएशन होगा तो जीरो होने से पहले ही मेरा ऑब्जेक्ट क्या होगा, नीचे स्लाइड करके गिर जाएगा, तो वीओ होने का टाइम ही नहीं मिलेगा उसको, ठीक है। ओके लास्ट थर्ड पार्ट, ये इसके बाद क्या करेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। प्रोजेक्टाइल का मिनिमम स्पीड क्या होता है, कोई भी प्रोजेक्टाइल मोशन होगा तो उसका मिनिमम स्पीड क्या होता है हाईएस्ट पॉइंट पे, जीरो। हाईएस्ट पॉइंट पे जीरो नहीं होता ना, यहाँ पे मैं वीए स्पीड से फेंका हूँ, वीए कॉस थीटा, हाँ सर, वीए कॉस थीटा, वीए कॉस थीटा, हाँ। तो थर्ड पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा, वीए कॉस थीटा। थर्ड पार्ट का आंसर हो गया वीए कॉस थीटा। वीए का वैल्यू था हम लोग का अंडर रूट आर जी बाई थ्री और कॉस थीटा का वैल्यू था 1/3, दैट इज अंडर रूट आर जी बाई 27। सर पर हम लोग डायरेक्टली नहीं लगा सकते थे क्या, बिना वीए निकाले एनर्जी कंजर्वेशन? तो तुमको ये नहीं पता है ना, फिर कैसे एनर्जी कंजर्व करते हैं, तुमको ये हाइट पता है क्या, ये ग्रीन वाला ब्लैक वाला? सर वो तो आर कॉस थीटा आ ही गया ना। हाँ। अच्छा तुम बता दो ये एच क्या होगा, R minus R cos theta. R minus R cos theta नहीं. 2R minus R cos theta. क्यों? Find H max. 2R minus R cos theta. अच्छा H. सर आपके slides group में post कर दोगे ना? हाँ ठीक है मैं कर दूँगा। हो गया? हाँ एक बार बता सकते हो VA जीरो के लिए हो सकता है? VA जीरो के लिए हो सकता है? VA जीरो क्यों नहीं सकता? देखो मेरा जैसे जैसे मतलब यहाँ पर मैं दिखाता हूँ तुमको, जैसे मैंने इसको फेंका ऐसे ऊपर फेंका, तो जीरो होने से पहले ही मान लो इसका स्पीड थोड़ा कम हुआ, धीरे धीरे कम हो रहा होगा, धीरे जीरो होने से पहले ही क्या होगा, ये प्रोजेक्टाइल फॉलो कर लेगा, धागा स्लैक कर जाएगा और ये प्रोजेक्टाइल फॉलो करेगा। जीरो होने से पहले ही स्लैक करेगा क्योंकि ऊपर की ओर जो स्लैक होना चाहिए ना। अच्छा वेलोसिटी एट जीरो स्लैक होना चाहिए? नहीं देखो यहाँ पर एम जी लग रहा है, ये एंगल थीटा मान लो, ये टेंशन है, तो टेंशन प्लस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाय आर। अच्छा अब देखो जैसे ही mg का जो ये वाला कंपोनेंट है वो mv स्क्वायर बाय r से बड़ा हो गया तो मेरा धागा स्लैक हो जाएगा ना। mv स्क्वायर, ठीक है, तो मेरा वेलोसिटी जीरो आने से पहले ही मेरा धागा स्लैक हो चुका है तो वेलोसिटी जीरो रीच ही नहीं करेगा कभी भी। लेकिन वही अगर मेरा बस ऐसा वाला मोशन होता यहां से यहां यहां से यहां तो यहां पर वेलोसिटी जीरो हो जाता, वहां से रुकता फिर वापस आता। अभी ठीक है सर, आपने टी प्लस एम जी कॉस थीटा के जस्ट बात क्या बोला था? तो यहाँ अगर मेरा टी प्लस एम जी कॉस थीटा, अगर एम जी कॉस थीटा ग्रेटर देन हो गया एम वी स्क्वायर बाई आर, तो इसका मतलब क्या है, टेंशन या फिर ग्रेटर देन छोड़ो इक्वल टू भी हो गया तो टेंशन जीरो हो गया, दिस इंप्लाइज स्ट्रिंग स्लैक कर गया। ठीक है, स्ट्रिंग स्लैक कर गया मतलब अभी वेलोसिटी जीरो हुआ नहीं है, उससे पहले मेरा स्ट्रिंग स्लैक कर गया मतलब इसके बाद मेरा क्या होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो हो जाएगा सर पे। अच्छा ओके ठीक है ओके। एच मैक्स सही है शंकर, अब एच मैक्स का फॉर्मूला तुम प्रोजेक्टाइल वाला ही लगा दो, क्या होता है फॉर्मूला, स्क्वायर थीटा बाय 2g u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g। ठीक है तो यहाँ पर u के जगह va है
तो ये आ जाएगा जी जी कैंसिल आर बाई सिक्स इंटू एट बाई नाइन तो आ जाएगा फोर आर बाई ट्वेंटी सेवन डन यस सर ओके एक और क्वेश्चन जैसे यहाँ पर हम लोग क्या मतलब हालांकि जैसे ही धागा स्लैक हो रहा है टेंशन इज जीरो वैसे ही जैसे ही अगर कांटेक्ट छूटा मतलब मान लो अगर तुमसे ऐसा बोला कि कांटेक्ट खत्म हो रहा है इसका मतलब क्या है फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन ऐसा नॉर्मल जीरो जैसे मान लो ये फिक्स है मैंने यहाँ से एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है इसको छोड़ दिया इसका रेडियस है आर तो ये नीचे आएगा नीचे आएगा नीचे आएगा यहाँ कहीं पे ये कॉन्टेक्ट लूज कर जाएगा ना नीचे आने के बाद ये फील आ रहा है ये नीचे से गोल घूमते घूमते आया यहाँ पर आके कांटेक्ट लूज करेगा एक जगह पे सर कंप्लीट क्यों नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर MG का वही तुमको सोचना है वो क्यों नहीं कंप्लीट करेगा पहले तो तुमको बताना है कि किस एंगल पर वो कांटेक्ट लूज करेगा प्रैक्टिकली फील आ रहा है ना कि कांटेक्ट लूज करेगा हाँ ठीक है उसके आगे तुमको सोचना है ठीक है कौन से एंगल पर कांटेक्ट लूज करेगा सर वही नॉर्मल लूज नॉर्मल जीरो करके करेंगे हाँ क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक हेमिस्फीयर है वो फिक्स्ड है उसके ऊपर मैंने एक बॉल रखा छोटा सा उसको यहाँ पर जस्ट मैंने पुश किया मतलब इनिशियल स्पीड जीरो दिया ठीक है अब पुश किया तो ये रोल डाउन करके नीचे आया तो किसी एक इंस्टेंट पर ये अपना कांटेक्ट लूज कर रहा होगा हेमिस्फीयर से उस इंस्टेंट पे ये एंगल थीटा कितना होगा तुमको ये बताना है सही है चैतन्य
सही है मनोज। सही है शंकर। तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट लूज क्या है, मतलब नॉर्मल जीरो करना है मुझे, तो सिंपल सा है। अगर इस डायरेक्शन में तुम देखो तो Mg का जो ये वाला कंपोनेंट है M, उसको कौन बैलेंस कर रहा होगा, Mv स्क्वायर बाय R। तो हमारे पास यहाँ से एक रिलेशन आ गया V इक्वल टू अंडर रूट, सही है मोहित, अंडर रूट Rg cos थीटा। और जैसे ही ये एक्सप्रेशन आया हम लोग एक और एक्सप्रेशन ले सकते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन, ये लेट्स से ये ZPL है, तो ये लेंथ क्या होगा, ये वाला होगा आर कॉस थेटा, तो ये होगा आर माइनस आर कॉस थेटा, दैट्स दिस इज पोजीशन ए, पोजीशन बी। तो ए पे लिखे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी इज एम जी आर माइनस आर कॉस थेटा, काइनेटिक एनर्जी इज जीरो। बी पे बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो एंड काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर आर जी कॉस थेटा। इक्वेट कर दो दोनों को, तो ये इधर है एम जी आर वन माइनस कॉस थेटा और बी पे है एम जी आर बाई टू कॉस थेटा, तो एम जी आर कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास आ गया टू माइनस टू कॉस थेटा इज इक्वल टू कॉस थेटा, और यहां से आ जाएगा cos theta equal to 2 by 3, 2 by 3। देन किसी को कोई डाउट, सर मतलब वो कब गिरेगा, वो आर का फंक्शन नहीं है? नहीं वो आर का फंक्शन नहीं है, वो आर से डिपेंडेंट है, cos inverse 2 by 3 होगा। हाँ cos inverse 2 by 3 होगा, लेकिन उसका वेलोसिटी जो होगा, जिस वेलोसिटी पे अटेंड करने पे वो गिरेगा, वो आर का फंक्शन होगा। सर मुझे तो बार बार 90 डिग्री आ रहा था, एनर्जी कंजर्वेशन फोर्स वगैरह सब लगा के, कैसे पता नहीं, बस चेक करो फिर से, कुछ गड़बड़ हुआ होगा। ओके आज की क्लास में किसी को कोई डाउट? नो सर। सर कोई असाइनमेंट दे रहा है, ये प्रॉब्लम फिर से बताओ ना एक बार। हाँ ये प्रॉब्लम, ओके देखो पिछला वाला प्रॉब्लम और ये प्रॉब्लम बिल्कुल सेम है, बस डिफरेंस क्या है, वहां पर टेंशन जीरो था, यहाँ पर नॉर्मल जीरो है। तो नॉर्मल जीरो तो सबसे पहले, बाकी सब सेम है। नॉर्मल जीरो है मतलब मैंने इस डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस किया ब्लैक वाली लाइन के लॉन्ग, तो एम जी कॉस थीटा और एम बी स्क्वायर बाई आर, ये दोनों फोर्स है हमारे पास, हाँ वो दोनों इक्वल होना चाहिए, पहला एक्सप्रेशन, ठीक है? यस। तो वहां से मुझे वेलोसिटी मिल गया एज अ फंक्शन ऑफ थीटा। अब वेलोसिटी मिल गया, अब मैंने क्या किया कि एनर्जी तो साथ, एनर्जी भी कंजर्व रहेगा साथ साथ, तो मैंने यहाँ पे एनर्जी लिखा ए पे, देखो ये हाइट कितना होगा, ये लेंथ है आर कॉस थीटा, ये ब्लैक वाला आया ना, यस सर, ये येलो आर है तो ये वाला आर कॉस थीटा हो जाएगा, तो ये ये वाला येलो आर माइनस आर कॉस थीटा हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी लिख दिया, काइनेटिक एनर्जी लिख दिया ए पे, सिमिलरली बी पे पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी लिखा और दोनों को इक्वेट कर दिया। ओके सर, ठीक है, और किसी को कोई डाउट आज की क्लास में? सर वी इक्वल टू आर जी कॉस थीटा ये पिछले इक्वेशन से लिया ना,
ये वाले वन से. अच्छा ओके सर समझा. यहाँ डालो. नो सर. ओके अभी और भी क्लास है या लास्ट था ये? लास्ट था सर. कोई असाइनमेंट भेजो ना. ठीक है मैं भेज दूंगा. या फिर वो जो लेक्चर भेजा उसमें से सॉल्व करेंगे या फिर बुकलेट में से क्या करें. बुकलेट से स्टार्ट कर ले. तुम लोग एचसी वर्मा कर लो ना. एचसी वर्मा में स्पीक वाले. अच्छा ओके. एचसी वर्मा पर चलेगा. चलेगा ओके. थैंक यू सर. बाय सर. ओके बाय बाय. एचसी वर्मा मोस्ट ऑफ देम पूरा क्वेश्चन हो जाएगा तुम लोग का. हां थैंक यू सर. पूरा हो जाएगा. पूरा हो जाएगा. स्प्रिंग वाला सा सही से करो तो पूरा हो जाएगा. ओके सर. मतलब चैप्टर खत्म है या क्या? नहीं नहीं चैप्टर खत्म नहीं है. एचसी वर्मा के हिसाब से खत्म है अपना. और कुछ कुछ चीज बाकी है. कोलिजन वगैरह इस चैप्टर में है ना? नहीं नहीं कोलिजन इस चैप्टर में नहीं है. अगले चैप्टर में अपना कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है वो सब चीज बचा हुआ है सर. और एनर्जी पावर वो सब बाद में है ना? हाँ वो सब भी बचा हुआ है अपना. बट एक्चुअली में सेपरेट टॉपिक की तरह कर रहे हैं. वर्क पावर एनर्जी. हाँ हाँ ठीक है. चलो बाय बाय.